नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आज मेरे पास है ASUS का गेमिंग फोन ROG फोन, जिसे कंपनी ने कहा है ROG अर्थात रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। कंपनी का यह जो ROG डिवाइसेज हैं वो पहले कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे एक्सेसरीज भी आ चुके हैं, तो अब कंपनी ने फोन उतारा है, स्मार्टफोन। इसके साथ ही देखिए क्या गिरा, मीन्स कि अब फोन के साथ आपको एक्सेसरीज भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फोन को। ये है वो डिवाइस, कवर हटाते हैं, आप देख सकते हैं, और ये स्टार्ट भी हो चुका है। काफ़ी देखने में खूबसूरत है, ग्लास बॉडी है कंपनी ने। इसमें आपको बता दूं कि कंपनी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। और ये बैक में भी आपको स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ में, जो खासकर गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, और उसके साथ में आपको ROG का लोगो, डुअल कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग अंदाज में है। और नीचे देखें तो USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक। आपको एक बात और ख़ास बता दूं, इस फ़ोन के साइड पैनल में भी आपको जो है वो चार्जिंग स्लॉट मिलेगा, जो और ये जो स्लॉट है ये डॉक के लिए भी यूज़ होता है। अभी हम इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन है, इस तरीके का फ़ोन शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तब तक थोड़ा सा आपको बॉक्स कंटेंट को दिखा दूँ क्या है इसमें। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये इसका कूलर है, जो इसको कूलर है इसको ठंडा रखने के लिए, जब आप गेमिंग खेलेंगे। ऐसे तो कंपनी ने बताया कि 3 लेयर उसमें प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे कि हीट ना हो, लेकिन आपको उसके बावजूद फ़ैन है कूलिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं ये साथ में इसके आता है। अब हम देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट को, तो एक चार्जर है, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जो है, ये कंपनी ने बताया कि 30 वाट का जो है चार्जर है, जो क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है। और ये आपको मैं बता दूं कि भारत में क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करने वाला ये पहला फ़ोन है। तो फ़ोन ही नहीं, इसका बॉक्स भी काफ़ी इनोवेटिव है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नए अंदाज में। अब हम बात करते हैं फ़ोन की, तो अब जैसा कि मालूम है इसमें 18:9 रेशियो के साथ में 6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये नॉच दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में नॉच है नहीं, ये कंपनी ने स्पीकर यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, जो आपको गेमिंग के दौरान बेहतरीन ऑडियो का एहसास कराएंगे। इसके अलावा फ़ोन का डिज़ाइन बहुत ही शानदार है, और गेमिंग के लिए खासकर इस मोड में अगर आप पकड़ते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। रही बात दूसरे स्पेसिफिकेशन की, स्क्रीन से आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा इसमें 845 चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, जो कि क्वालकॉम का सबसे ताकतवर चिपसेट है। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ बता दूँ कि यह जो फ़ोन है 2.96 GHz क्लॉक स्पीड को सपोर्ट करता है, और यह 845 पे इतना ज़्यादा स्पीड सपोर्ट करने वाला पहला फ़ोन है। अब तक जो है मैक्सिमम 2.8 सपोर्ट GHz का सपोर्ट था। इसके अलावा जो है अब रैम, फ़ोन 8 GB रैम के साथ और 128 GB मेमोरी में उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंड्राइड 8.1 ओरियो पे है, और कुछ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें फ़ोन के बैटरी की, तो कंपनी ने इसे 4000 mAh की बैटरी के साथ में पेश किया है, और यह जो फ़ोन है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4.0 ये जो स्लॉट है, ये जो साइड स्लॉट देख रहे हैं, यहाँ से भी चार्ज होता है, और ये जो स्लॉट है यहाँ से भी चार्ज होता है। तो इस ये जो स्लॉट है यह 4.0 क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है, और अगर आप इससे चार्ज करते हैं तो यह 3.0 क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि 1 घंटे में 4000 mAh बैटरी वाला फ़ोन पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। कैमरे की बात करें तो बैक पैनल में आपको 12+8 MP का कैमरा मिलेगा, और यह जो सेंसर है वो f1.7 अपर्चर सपोर्ट करता है, यानी कि आपको साधारण पहले जो 1.8 और आपने 2.0 देखा होगा उससे कहीं बड़ी तस्वीर लेने में सक्षम है। या इसमें रोशनी, मतलब कंपनी का दावा कि 29% रोशनी इसमें ज़्यादा जाएगी, और यह कम लो लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है ये। इसके अलावा फ्रंट की हम बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी कैमरा। तो आपको बता दूं, लेकिन ये फ़ोन जो अब तक हम स्पेसिफिकेशन की बात तो हमने कर ली, लेकिन यह फ़ोन स्पेसिफिकेशन के लिए जो है वो कैमरा और उन सब के लिए तो अच्छा है, बट इसे खास तौर से गेमिंग के लिए बनाया गया है, और इसमें आपको गेमिंग के मोड मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यह जो गेमिंग मोड है, जिसे कंपनी ने एक्स मोड का नाम दिया है। इसके अलावा
आपको गेमिंग के लिए दूसरे भी प्रोफाइल इसमें दिए गए हैं, गेम जिनी दिया गया है और कई दूसरे प्रोफाइल मिलेंगे। इसका डेमो भी हम आपको अलग अलग एक्सेसरीज के साथ भी दिखाएंगे। इसके साथ में कंपनी ने कई एक्सेसरीज लॉन्च किया, हालांकि उसके लिए आपको अलग से कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन कुछ एक्सेसरीज को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा फ़ोन के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने गेमिंग मोड ऑन किया, एक्स मोड ऑन किया, ये लाइट जो है उसका कलर जो है बदलना शुरू हो गया। तो अगर कॉलिंग पे हैं या कि टशन मारने के लिए भी ये डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा कहा जाएगा कि अगर किसी भीड़ में है, और ये काफ़ी अट्रैक्ट करेगा लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं ये फ़ोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके साथ कंपनी ने 6 अलग अलग एक्सेसरीज लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका डेमो तो दे दिया था। इसका कंपनी ने कूलर कहा है, जो इसमें एक फ़ैन है जो गेमिंग के दौरान अगर फ़ोन गर्म होता है तो उसको ये कूल करने का, ठंडा करने का काम करेगा। इसके अलावा जो हम दूसरा है, इसे कंपनी ने नाम दिया है डेस्कटॉप डॉक। तो आप देख सकते हैं इसमें जो फ़ोन है ये इस तरीके से आ जाएगा और आप गेमिंग का मज़ा जो है वो ले सकते हैं, इसमें गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। ये जो डॉक है इसमें देखिए आप कई स्लॉट्स हैं, तो आप इसको मॉनिटर के साथ में, टीवी स्क्रीन के साथ में कहीं भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यूएसबी का कनेक्टिविटी मिलता है, उसको 4K कनेक्टिविटी इसमें कंपनी ने दिया है, साथ में HDMI है। इसके अलावा 3.5mm ऑडियो जैक और होम थिएटर के लिए भी इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे खास, कंपनी ने हर एक एक्सेसरीज में यूएसबी टाइप सी कनेक्टिविटी दी है, जिससे कि आप फोन को खेलते समय ही उसको चार्ज कर सके। हमने इसमें भी दिखाया था कि आपको जो है मिलता है, और यहाँ भी देख सकते हैं ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब जो इसके अलावा जो दूसरा डॉक है, ये एक्सेसरी जो है इसे कंपनी ने डेस्कटॉप डॉक का नाम दिया है। दूसरा एक्सेसरी जो है इसे कहा गया ट्विन व्यू। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है आपको एक साथ में दो व्यू मिलेगा। ये देखिए, इसके साथ में आपको यहाँ भी व्यू आ जाएगा और यहाँ भी आप व्यू का देख सकते हैं। इसको जो है आप देख सकते हैं, ये रहा इसका, ये ट्विन व्यू का इसका नाम दिया गया है। सेम, हालांकि ये फोन की तरह दिख रहा, लेकिन डिजाइन जो है इसे फोन की तरह दिख रहा, लेकिन ये एक्चुअली में फोन है नहीं। आप यहीं से ऑन, इसे कंट्रोलर यहाँ भी दिया गया है और आप देख सकते हैं कि दोनों में व्यू आपको मिलेगा। तो आप प्रॉपर इसे पकड़ करके इस तरीके से इस मोड में जो है वो गेमिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोलर मिलेगा, और सबसे अच्छी बात जो देखिए कि यहाँ भी फैन अवेलेबल है, यानी कि हीटिंग इश्यू नहीं होगी। कंपनी ने गेमिंग में इस पार बहुत अच्छा काम किया है कि कहीं से कोई हीटिंग इश्यू ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस फोन में मिलेंगी। अब इसके अलावा जो हम दूसरे एक्सेसरीज की बात करते हैं, तो वो आता है कंट्रोलर। ये देख सकते हैं, ये कंपनी ने ये कंट्रोलर दिया है। ये है कंट्रोलर है, इसमें जो है आप फोन को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ यूएसबी टाइप सी से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आप पूरी तरीके से देखें, ये कंट्रोलर जो है काम करने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी अभी इतना ही में खत्म नहीं होता है, इसके अलावा भी कई चीजें अवेलेबल हैं। आप ये है, इसे कहा गया है प्रोफेशनल डॉक। ये जो प्रोफेशनल डॉक है, ये इस डेस्कटॉप डॉक का ही छोटा भाई है। आप इसमें से भी आप लैन कनेक्टर, अर्थात अगर आप इंटरनेट पे गेमिंग खेलते हैं, मल्टीप्लेयर गेमिंग खेलते हैं, तो आपको डायरेक्ट लैन कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा यूएसबी टाइप सी, एचडीएमआई पोर्ट और यूएसबी जो है, आपको यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट मिलेंगे। आप इससे भी फ़ोन को सीधा कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द टाइप सी, ये इस मोड से। और अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप इस मोड से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा अनुभव देगा ये। और ये जो है इसका जो आउटपुट है आप किसी दूसरे डिवाइस पे, बड़े स्क्रीन पे आप लगा दे सकते हैं। तो आप बड़े गेमिंग के साथ में, बड़े मॉनिटर पे बेहतरीन तरीके से गेम का मज़ा ले सकते हैं। इन सबको आपने देख लिया, और एक कवर साथ में है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इसके साथ में जो है एक कवर दिया है, ये आप कवर का इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस कवर को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, इस कवर में बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है कि आप चाहें तो इससे कवर को निकाल सकते हैं, कवर से इसे अलग कर सकते हैं। ये आपको बिना इसके, देखिए हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं, और बिना इसके भी इसे यूज़ किया जा सकता है, ताकि आप जो दूसरे एक्सेसरीज जैसे कि इस कूलर, इस
कूलेंट को, इस चीज़ों को आप दूसरे एक्सेसरीज को इससे कनेक्ट कर सकें, इस वजह से इसे दिया गया है और ये आपको साथ में प्रोटेक्शन भी देगा। सो कुल मिलाकर देखें तो फ़ोन के साथ में काफ़ी एक्सेसरीज उपलब्ध हैं, काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आपको बॉक्स के साथ में सिर्फ ये फ्री मिल रहा है और चार्जर जो है, इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग अलग प्राइस निर्धारित है। तो इसके बारे में हम आपको अधिक जानकारी अभी भी और भी जानकारी देंगे कि कैसे इनका यूज़ करना है और कैसा एक्सपीरियंस रहा। जब तक देखते रहिए 91 मोबाइल्स।